आज बंगाल दौरे पर जा रहे गृह मंत्री अमित शाह कूचबिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। चाकूनगर में एक रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। चुनाव बंगाल चुनाव को लेकर सियासत तेज। अमित शाह सबसे पहले करीब 11 बजे कूचबिहार में मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद वो मेला ग्राउंड से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर बाद ठाकुरनगर में हरिचंद ठाकुर मंदिर जाएंगे अमित शाह। देर शाम कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर संघ बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा ममता बनर्जी की हालत बाघ नहीं बिल्ली जैसी। अपनी पार्टी के लोग और अफसरों से भी वो उनसे नहीं डरते। पश्चिम बंगाल से पहले देर रात असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज दीनदयाल उपाध्याय को दें श्रद्धांजलि। दिल्ली में भी दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं ने दी पुष्पांजलि। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है समर्पण दिवस के तौर पर। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी देंगे संदेश। शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। आज मौनी अमावस्या पर देश भर में पवित्र नदियों में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। दान पुण्य का भी विशेष महत्व। प्रयागराज में संगम श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी। भोर से ही लगा श्रद्धालुओं का तांता। जम्मू कश्मीर में जारी है सर्दी का सितम। ज्यादातर जगहों पर लुढ़क रहा है न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के टिहरी में बर्फ की मोटी चादर के आगोश में सीमा से सटे गांव। घरों में कैद हो गए लोग। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का स्की रिजॉर्ट ओली। जमकर लुत्फ उठा रहे टूरिस्ट। बंगाल चुनाव से ठीक पहले सज रहा है इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव ईस्ट कप महामंच। राजनीति से आर्थिक जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां होंगी इस महामंच का हिस्सा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रात 8 बजे आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल की सियासत पर रखेंगे अपने विचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बनेगी कॉन्क्लेव का हिस्सा। शाम 5:30 बजे मंच पर बढ़ाएंगे शोभा। कॉन्क्लेव में सुबह 11:15 बजे बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रखेंगे अपने विचार। टीएमसी सांसद नुसरत जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी करेंगे शिरकत। कॉन्क्लेव में असम की सियासत पर भी होगी गंभीर चर्चा। रंजन गोगोई और हेमंत बिस्व शर्मा रखेंगे अपने विचार। भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत का दिखा असर। पैंगोंग झील के विवादित फिंगर रेत तक लौट रही है चीनी सेना। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी रक्षा मंत्रालय का दिया हवाला। सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों को भी हटाया जा रहा है। लद्दाख में भारतीय जवान भी फिंगर 3 तक लौटे। फिंगर 4 तक नहीं होगी किसी देश की पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में 10:30 बजे इसी मामले पर देंगे बयान। रक्षा मंत्री के बयान के बाद ही साफ होगी हालत। संसद पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत। बयान से पहले राजनाथ सिंह से करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री के बातचीत की अपील के बीच किसानों ने तेज किया आंदोलन। जारी किया विरोध कार्यक्रमों का नया कैलेंडर। 12 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन करेंगे किसान नेता। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान। 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करवाने का प्लान। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता दिवस के तौर पर मनाने का प्लान। आंदोलन में मजदूरों को भी जोड़ने की कोशिश। फतेहाबाद से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुई किसानों की इमरजेंसी ब्रिगेड। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार। आज प्रयागराज दौरे पर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। सुबह 11 बजे स्वराज भवन पहुंचेंगी। मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाएंगी प्रियंका। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद महाराज से लेंगे आशीर्वाद। सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी।
काला कुर्ता, भगवा गमछा और माथे पर दिखा लाल टीका। प्रियंका गांधी ने नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा, कहा इन्हें पूंजीपतियों के लिए बनाया गया। प्रियंका पर बीजेपी का पलटवार, अनुराग ठाकुर बोले किसानों को गुमराह कर रही है कांग्रेस महासचिव। लगातार जारी है चमोली आपदा में फंसे लोगों की तलाश, 172 लापता लोगों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। अब सुरंग के 12 से 13 मीटर नीचे ड्रिलिंग का काम शुरू, फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश। चमोली आपदा में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि, लापता लोगों को ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर चला जा रहा ऑपरेशन। वैज्ञानिकों ने किया ग्लेशियर फटने वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण, जमा किए मलबे और पत्थरों के टुकड़े। आपदा की वजह से तपोवन इलाके में जोरदार तबाही, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 12,900 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 108 लोगों की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले, 2 लोगों की जान गई। यूपी में लगातार घट रहे हैं कोरोना के केस, 31 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं। जैसलमेर में बॉर्डर पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत, सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को लगी कोरोना वैक्सीन। वडोदरा में डॉक्टर की पिटाई का विरोध, हड़ताल पर गए 3500 डॉक्टर। गया में मस्जिद के पास गोली चलाने का वीडियो आया सामने, जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी में पुलिस ने की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर में खनन माफिया और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस ने 7 ट्रैक्टर जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में एक ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विस्फोटक पदार्थ के साथ एक कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। पटना पुलिस ने जब्त किए 6 करोड़ के अवैध शराब को नष्ट करना शुरू, बुलडोजर से पेटियों में भरी शराब को नष्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।